फ्रेंड्स, मैं हूँ उषा अग्रवाल और आज के अपने इस वीडियो में बताने जा रही हूँ मैं इस तरह के नेट के छोटे फ्लावर बनाना। इसके लिए हमें चाहिए नेट। नेट आप कोई सी भी कलर की ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रीम कलर के नेट लिए हैं और इस तरीके से गोल्डन कलर के जो तार आते हैं वो लिया है। इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेंगे इस तरीके से। अभी हमें छोटे छोटे पेटल तैयार करनी है। अब हम इसको इस तरीके से ट्विस्ट करके जिस साइज की आप बनाना चाहते हैं पेटल, उस साइज का इस तरीके से शेप हमें रेडी करना है। अब नेट के बीच में इसे इस तरीके से रख के हमें इसे अच्छे से कवर कर लेना है और यहाँ पे हमें नीचे की तरफ धागा बांध देना है। यहाँ पे हम अच्छे से धागा बांध देंगे और यहाँ पे हमें डबल नोट लगा देनी है और एक्स्ट्रा नेट कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी एक पेटल बनके तैयार है। हम इसी 5 पेटल्स और रेडी कर लेंगे। तो हमने इस तरीके से 5 पेटल और तैयार कर ली है। अब हम इनको आपस में एक साथ पकड़ लेंगे और हमें इनको एक साथ पकड़ के यहाँ पे नीचे की तरफ थ्रेड बांध देना है। और यहाँ पे 2-3 नोट लगा देंगे नीचे की तरफ। और थ्रेड को कट कर देंगे। अब हमें इसकी एक एक पत्ती को इस तरीके से साइज कर देना है। इस तरह हम ऊपर एक फ्लावर का शेप देंगे। अब पीछे की तरफ से हम एक एक तार को इस तरीके से दबा देंगे और नीचे भी अच्छे से इसे फैला देंगे ताकि चारों तरफ हमारी ये नेट इक्वल हो सके इस तरीके से। अब हम इस नेट को गोलाई में कट कर देंगे। अब हम इसके सेंटर में एक मोती चिपका देंगे। तो इस तरीके से हमारे फूल बनके तैयार हैं। तो इस तरह के छोटे फ्लावर बना के आप कहीं पर भी डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।